दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है लंबो मोटो नीलगढ़िया खजाना पार्ट टू। यहाँ तक स्टोरी हम इसके पार्ट वन में पढ़ चुके हैं, तो पहले आप उसको पढ़ लेना, वो कॉमिक्स आपको मिल जाएगी। प्ले लिस्ट में लंबो मोटो का फोल्डर है उसके अंदर, तो मैं पढ़ता हूँ आगे से। कौन हो तुम लोग? मोटू और लंबो की आवाज सुनकर मोटू हड़बड़ाकर उठ बैठा है। बाहर से लंबो की आवाज आई, कुछ गड़बड़ है, पिस्तौल निकाल लूं। मोटू मोटो बाहर निकलकर देखता है और जंगलियों पर लपकता है। ठहरो बदमाशो, सलांग। मोटो एक फायर करता है, धोए। लेकिन तभी पीछे से एक जंगली उस पर कूदता है, तो मोटो की पिस्तौल जमीन पर गिर पड़ती है। ओह बाप रे, ये तो बहुत सारे लोग हैं, मेरी पिस्तौल। तभी मोटो पीछे से कूदे जंगली को उछाल मारकर अपने आगे पटक देता है, बूम। और फिर लंबू का दबोचे जंगलियों पर कूद पड़ता है। उसके धक्के से कई जंगली जमीन पर गिर पड़ते हैं। ई और लंबू छूट जाता है। शाबाश मोटू। और लंबू मोटू जंगलियों से भिड़ जाते हैं। भड़ाम ई भ्रम दम। लेकिन जंगलियों की संख्या ज्यादा थी, कुछ जंगली लंबू तंबू में घुसते हैं। मोटू जल दिया, ये लुटेरे का नक्शा नहीं ले उड़े, इन्हें तंबू में नहीं घुसने देना है। दोनों उनकी ओर झपटते हैं। लंबू मोटू जंगलियों को तंबू से बाहर निकालते हैं। उई निकलो बदमाशो। और शुम मोटू के गुस्सों के बौछारों से सारे जंगली बाहर आ गिरते हैं। अब यहीं जमे रहना पड़ेगा। ब्राउम, हमारी पिस्तौलें गिर गई हैं, वे मिल जाए तो इन्हें भगाया जा सकता है, ये तो बहुत सारे हैं। आखिर जंगलियों ने लंबू मोटू को फिर से दर्द दबोचा। अब तो फंस गए हम। तभी कोई गरजा, ठहर जाओ लुटेरो, तुम्हारा हम अभी भुड़ता बनाता है। एक पठान सा देखने वाला हट्टा कट्टा आदमी घोड़े पर उधर आ पहुंचा। अरे वाह, भगवान ने क्या समय पर अपना बंदा भेजा है। कोई मुसाफिर है, हमें मुसीबत में देकर मदद करने आप आ पहुंचा है। और पठान ने घोड़े पर से उन पर छलांग लगाई। सर ई बूम। वाह, और पठान ने झपट कर दोनों को छुड़ा लिया। शुक्रिया शुक्रिया पठान जी। और पठान की सहायता मिलते ही लंबू मोटू ने दूने उत्साह से जंगलियों पर धावा बोल दिया। धम शुम। शाबाश बच्चों, बड़े बहादुर हो। शुम पठान जी, आपकी मदद ने हमें नया जोश भर दिया है। दौड़। और जंगली घबरा घबरा कर एक एक कर भागने लगे। अरे भागते कहो, ठहर जाओ। हा, जाने दो बच्चों, वापस आ जाओ। जंगली भागे, लंबू मोटू लौट रहा है। यदि वक्त पर आप इधर न आ निकलते तो हम मुसीबत में फंस गए होते। खुदा ऐसी जगह अपने आप भेज देता बच्चों, यह खुदा का ही हुक्म था। दरअसल हमारी पिस्तौलें जमीन पर गिर गई और हम उनका इस्तेमाल नहीं कर पाए। कोई बात नहीं, वो पिस्तौल की जगह खुदा ने हमको भेजा। बच्चा लोग, तुम जाता किधर है? हम नीलगढ़ी जा रहे हैं। ओ नहीं, खख खख, वहां में कुछ काम है। वो तो कोई बात नहीं, हम भी उसी तरफ जाएगा। चलो, रात तुम्हारे साथ ही बिताएगा, तुमको बादाम पिस्ता खिलाएगा। तुम बच्चा बहुत बहादुर हो, हम तुमसे बहुत खुश हैं। आओ पठान चाचा, हमारे साथ ही रात बिताओ खुशी से तंबू में। लो बच्चा, बादाम पिस्ता खाओ और सो जाओ। अगले दिन वे तंबू आदि सामान घोड़ों पर लाते हैं। चलो बच्चा लोग, जहां जहां तक बनेगा तुम्हारे साथ चलेगा, तुम्हारे साथ तो बहुत घोड़ा है। वे रवाना होते हैं। नक्शे के अनुसार जहां भी वे जाते, पठान उनके उनके साथ ही रहता है। यह पठान तो हमारे साथ ही हो गया है, शादी से भी इसी रास्ते पर जाना होगा। पर हम नील घाटी के बिल्कुल नजदीक आ गए हैं। एक जगह दो रास्ते बट जाते हैं। पठान चाचा, हमें तो इस रास्ते से जाना है, वह सामने ही घाटी तक। ओहो बच्चा लोग, तो हमको उधर नहीं जाना, हम इधर जाएगा, वापस लौटेगा तब हम इसी रास्ते आएगा। अच्छा बच्चा लोग, खुदा हाफिज। चलो अच्छा हुआ, वरना कमिया पठान इधर भी साथ हो लेता तो खजाने का राज खुल जाता। वे तेजी से घोड़े दौड़ाते हैं, और क्या पता खजाना देखकर पठान की नीयत बदल जाती। इन कुछ दूर एक कुआं आता है, वे लोग वहां रुक जाते हैं।
नक्शे के अनुसार कुआं भी आ गया। इस कुएं में एक भारी पत्थर डालना पड़ेगा। पत्थर के गिरने से घाटिया जिस हिस्से में आवाज आएगी उधर ही हमें गुफा का दरवाजा मिलेगा। लंबू मोटे एक पत्थर उठाकर कुएं में गिराते हैं, घाटी के दाई ओर। धमाक! लंबू उस ओर से धमाके की आवाज आई है। चलो, वे घाटी के नजदीक पहुंच जाते हैं। चट्टान के पास लगे इस पेड़ को घुमाना पड़ेगा। आओ, वे दोनों मिलकर पेड़ को एक और घुमाते हैं। सरमराट! अरे वाह, गुफा का रास्ता निकल आया। चलो अंदर। सर, वे दोनों गुफा के टेढ़े मेढ़े रास्ते से आगे बढ़ते हैं। आगे एक जगह, सांप। ओ सांप, वो ना, वो खजाना इसी के नीचे होगा। चलो सांप को हटाए, बड़ा भयंकर है। हे नागदेव, हमें अपना काम पूरा करने दो, हमें इसके सच्चे मालिक ने ही भेजा है। वाह, सांप चला गया। वे जमीन से लगे एक कड़े को खींचते हैं तो एक तख्ता खुल जाता है और एक बहुत बड़ा संदूक नजर आने लगा। वे ढक्कन खोलते हैं, हीरे हीरे जवाहरात जगमगा उठते हैं। वाह वाह, चलो अब इन्हें थैलों में भरकर घोड़ों पर लाद दें। वे सारा खजाना थैलों में भरते हैं। वे जैसे ही खड़े होते हैं अपने को बहुत सारे नकाबपोशों से घिरा हुआ पाते हैं। अरे बाप रे, ये यमदूत यहाँ भी आदम के! हा, तुम दोनों ने हमारा काफी कुछ काम कर दिया, अब बाकी का हम कर लेंगे। तो तुम लोग यहाँ कैसे पहुंचे? नक्शा तुम्हें दिलाकर फिर तुम्हारे पीछे पीछे यहाँ आ गए। वह आधा नक्शा हमने तुम्हें जानबूझकर दिलवाया था ताकि तुम खजाने तक पहुंचकर हमारा काम आसान कर दो। अब तुम दोनों इसी गुफा में सड़ो। नहीं, हम तुम्हें खजाना छूने भी नहीं देंगे। इससे पहले कि लंबू मोटू कुछ करें, कुछ नकाबपोश उन्हें कसकर पकड़ लेते हैं। जल्दी से ये थैले घोड़ों पर ला दो। वे लंबू मोटू को धक्का देकर भाग जाते हैं, ब्राउन, और गुफा बंद कर देते हैं। नहीं, गुफा बंद मत करो, हम मर जाएंगे। हा हा हा, तभी वह सांप प्रकट होता है। ओ सांप, यह कुछ इशारा कर रहा है। वह सांप के पीछे पीछे चलते हैं, शायद यह हमें कोई रास्ता सुझा रहा है। इसके पीछे 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 चले जाओ। चलो, पीछे लौटना तो मुश्किल है, बिल्कुल किनारे पर आकर हम डूब गए। सांप गुफा के दूसरे छोर पर जाकर दीवार में लगे एक कुंदे पर फंद मारता है। ओ सांप इसे खींचने के लिए कह रहा है, कमाल है। लंबू उस कुंदे को खींचता है। कुंदा खींचते ही वहां एक बड़ा छेद हो गया और उसमें से पानी बहने लगा। ओ गड़, पानी पानी गुफा में भर जाता है। कुछ देर में पानी बंद हो जाता है। पानी बहना बंद हो गया, चलो छेद में से बाहर देखें कोई रास्ता बना या नहीं। वे छेद से बाहर निकलते हैं। अरे मोटू, यह तो वही कुआं है, देखो हमारा फेंका हुआ पत्थर भी पड़ा है यहाँ। चलो ऊपर चढ़ने के लिए, ये टूटे फूटे जीने काम आएंगे। वे ऊपर चढ़ते हैं। ऊपर तो शायद कुछ लोग लड़ झगड़ रहे हैं, छुप कर देखे कौन है। आई ठा, वे जाकर देखते हैं। अरे यह तो पठान चाचा है, नकाबपोशों से लड़ रहे हैं। चलो यहीं से इनकी मदद करें। वे कुएं के अंदर से नकाबपोशों को अपनी पिस्तौल का निशाना बनाते हैं। धोए, ये गया। ओह शुम, और ये भी। ओह, लंबू मोटू का ही नकाबपोशों को मार गिराते हैं। ये पिस्तौल अब जाकर काम आई। अरे वाह, ये गोलियां किधर से आकर हमारे दुश्मन को मारता है, हमारा मदद करता है। आह मरा। लंबू मोटू कुएं से बाहर निकलते हैं। ये हम है पठान चाचा, शुम। अरे बच्चा लोग, तुम हमारा मदद किया, हम समझा तुमको इन दुष्टों ने मार दिया। लंबू मोटू भी उनसे भिड़ जाते हैं। हाँ पठान चाचा, इन्होंने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी, ये ले, शुम। ओह बच्चा लोग, इस नकाबपोश सरदार को जिंदा पकड़ना है, शुम। धौड़, शुम। ठीक है चाचा, हमने पिस्तौलें रख ली हैं। पठान अचानक उछलकर नकाबपोश सरदार को पीछे से जकड़ लेता है। बच्चा लोग, इसको बांधो। वह सरदार को बांधकर एक एक घोड़े पर लाद लेते हैं। चलो खजाने के साथ तुम भी लद जाओ। एक दो नकाबपोश भाग जाते हैं, कुछ घायल हो जाते हैं। दो को लंबू मोटू बांधकर घोड़ों पर लाद लेते हैं। चलो आगे बढ़ा जाए,
भटान चाचा आप तो भगवान का रूप धरकर हमें बचाने आए। वे लोग खजाने और कैदियों के साथ आगे बढ़ते हैं, हम तुम्हारा एहसान कैसे भूल सकते हैं। आप हमारे साथ किस संगठन तक जरूर चलिए, आपको शायद मालूम नहीं हमारे साथ घोड़ों पर करोड़ों रुपयों के हीरे जवाहरात का खजाना है। इसे छीने ये नकाबपोश आए थे, तब तो हम तुमको बिल्कुल घर तक छोड़ेगा। हम किस संगठन आ गए हैं पठान चाचा, हमारे युवराज आपसे मिलकर बहुत खुश होंगे। हम भी उनसे मिलने को बेताब है बच्चा लोग, पठान का दिल जीत लिया तुम वीर बच्चा लोगों ने। चाचा यह सब आप जैसे महान लोगों का आशीर्वाद है, लोग उनका धूमधाम से स्वागत करते हैं। युवराज महल के फाटक पर खड़े थे, लंबू मोटू जिंदाबाद वेलकम। खजाने के साथ कैदियों को भी महल में लाया गया। तुम कौन हो पठान, तुमने हमारा बड़ा उपकार किया। अगर ये पठान चाचा पग पग पर हमारी मदद न करते तो खजाना तो क्या, हम खुद भी जिंदा नहीं आ पाते। पठान नकाबपोश सरदार का नकाब हटाता है मंत्री तुम पहले आप इस दुष्ट से मिले, बाद में मुझसे, और मैं हूं जग्गा डाकू। क्या जग्गा डाकू है, जग्गा डाकू और हमारा मददगार, तो फिर वह लाश किसकी थी। वह सब इस दुष्ट मंत्री की चाल थी, इसने मुझे अपने यहाँ कैद कर लिया, मैं किसी तरह छूट भागा। जगह युवराज के पैरों पर गिर पड़ता है, मैंने बहुत पाप किए थे, इन बच्चों ने ईमानदारी और वीरता का सच्चा प्रदर्शन कर मेरा दिल बदल दिया। इनसे मैंने जाना कि वीरता और शक्ति का प्रयोग अच्छे काम में करना चाहिए, और इस दुष्ट मंत्री ने भी मुझे रास्ता दिखाया। मुझसे ज्यादा नीच तो यह था, अब मैं आपकी शरण में हूं, जो चाहे सजा दें। सजा नहीं, हम तुम्हें गले से लगाएंगे जग्गा। अब हमें इजाजत दीजिए युवराज, हमें अभी बहुत काम करने हैं। समाप्त। तो दोस्तों ये कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है, और मिलते हैं किसी अगले कॉमिक्स में। ये उस टाइम पे आई होंगी, नॉवल है। तो दोस्तों मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।